पूरा पूजा में देवी का यहाँ साक्षात आगमन होता है। यहाँ जो मांगेंगे, जो इच्छा मन से मांगेंगे, श्रद्धा से पूजा करेंगे, अवश्य पूरा होता है। मैंने जब मैं जब तैयारी वारी करता था तो यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर बना करता था। उस समय जब मूर्ति सूख रहा था तो मैंने बिल्कुल ब्लू रंग का चमकीला लाइट देखा कि माँ आती है। जब होता है, जब हम लोग बेल बरन करके माँ को जब बुलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उस दिन किन्हीं किन्हीं को अनुभव हुआ है कि माँ आती है। एक दिव्य ज्योति उधर से आई और माँ में समा गई। अचानक से मूर्ति के हाथ से प्रकाश निकला, देवी जी का भी दर्शन हुआ है। छब्बीस सितंबर से शुरू हुए नवरात्र 5 अक्टूबर को दशमी तिथि के साथ समाप्त हो रहे हैं। इस साल पूरे 9 दिनों के नवरात्र पड़े हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे ही हम आपको एक ऐसे रहस्य को बताने वाले हैं जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखण्ड के गुमला के भरनो गाँव का, जहाँ माँ दुर्गा साक्षात दर्शन गाँव वासियों को दी है। इसका प्रमाण गांववासी हमेशा देते आ रहे हैं। वही इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने जीएन भारत का एक टीम गुमला के भरनो गांव पहुंचा, जहां देखा कि और जगह से अलग अद्भुत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा पूजा कहीं और आपको देखने नहीं मिलेगा। यहां गांववासियों का कहना है कि भरनो के हरिजन मोहल्ला के मंदिर में माँ देवी को साक्षात देखा गया है। उस समय वहां के पुरोहित स्वर्गीय श्री वाणी विलास मिश्रा जी थे। इनका पूजा करने का भी तरीका बहुत ही अलग था। सर पर दीप जलाकर आरती करना, नवरात्र में 9 दिन मौन रखकर पूजा करना, वही आज उनके सुपुत्र श्री ऋषिकेश मिश्रा अपने पिता के मार्गदर्शन पर वैसे ही पूजा को करते हैं। आपको सुनाते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, गाँव वाले क्या बोलते हैं। ये दुर्गा मंदिर आदिवासी हरिजन पूजा समिति की ओर से 1947 में शुरू किया गया और 1947 से अब तक लगातार ये पूजा यहाँ पर इस मंदिर में होता चला आ रहा है। यहाँ अब इस साल 75 साल हो चुका है और इस मंदिर में जो देवी की पूजा होती है, ये बहुत ही शक्ति की पूजा होती है और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा पूजा में देवी का यहाँ साक्षात आगमन हो, इनको इनकी पूजा करते हैं और पूजा करते ही रहेंगे। ये बहुत प्राचीन पूजा है। ये मतलब करीबन 75 साल आज इस मंदिर का पूजा का हो रहा है, ये 75th ईयर्स है और इस पूजा की बहुत महिमा है। हम लोगों ने बचपन से इसको देखा है। यहाँ जो मांगेंगे, जो इच्छा मन से मांगेंगे, श्रद्धा से पूजा करेंगे, अवश्य पूरा होता है। मेरा भी उम्र करीबन 50 साल हो गया है इस बार, तो मैं देखता हूँ कि इसकी महिमा इतनी है। और काफ़ी पहले दादाजी ने और यहाँ के ग्रामवासियों ने, सभी लोगों ने इसको शुरुआत किया था। पंडित वाणी विलास मिश्रा साहब थे, उनके बाद उनके परिवार के सभी लोगों ने बहुत श्रद्धापूर्वक पूजा किया है और जो कुछ हम लोग का पूरे ग्राम में जो शांति है, समृद्धि है, सब माँ का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस श्रद्धा की बात है, देखने की बात नहीं है, कोई इसको महसूस करने की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने महसूस किया है। मैंने जब मैं जब तैयारी वारी करता था तो यहाँ पर मूर्ति बना करता था। उस समय जब मूर्ति सूख रहा था तो मैंने बिल्कुल ब्लू रंग का चमकीला लाइट देखा है ना, जैसे मुझे श्रद्धा है। मैंने चूँ मैं देख चुका हूँ, इसलिए मुझे श्रद्धा है ना। पूरा गांववासी ऐसे झूम के पूजा करते हैं, पूरा गांववासी मिलजुल कर। हाँ, सिर्फ गांव वाले नहीं, गांव के अगल बगल जितना भी हम लोग पूरा प्रखंड क्षेत्र से जो भी यहाँ पर सभी जाति के लोग यहाँ पर हैं, सभी बहुत श्रद्धा से जुटते हैं और सबको इंतजार रहता है पूरे साल भर का कि पूजा आ रहा है, माँ का पूजा हम लोग आराधना करेंगे। वो संधि बलि, अष्टमी और नवमी का जो संधि होता है, जो बलि होता है, उसको संधि बलि बोलते हैं। वो हम लोग, चूँकि हम लोग वैष्णव विधि से हम लोग बलि देते हैं, तो माँ का एक रूप है वो। कि ये हम लोग का जो पूजा करवा रही है, हम लोग के दादा के समय से होते आ रहा है। करीब करीब हमको लग रहा है कि यहाँ पूजा वही 70-80 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। और इस मंदिर का जो पूजा जब शुरू हुआ था, तो आपको बता देते कि इस हाईवे के किनारे में रांची और गुमला के बाद में ये
बीच में सिर्फ यही मंदिर, इसी मंदिर में पूजा होती थी और मंदिर के पुजारी शुरू करवाए थे श्री स्वर्गीय वाणी विलास मिश्रा जी, उनके सुपुत्र अभी उत्तराधिकारी के रूप में उनका वही पूजा करा रहे हैं। और बाकी जो है तो हमारे जो गार्जियन है उनसे पूछिए तो वो बेहतर ये अनुभव मुझे नहीं हुआ है, लेकिन जिनको हुआ है वो बताते हैं कि माँ आती हैं। जब होता है, जब हम लोग बेल भरन करके माँ को जब बुलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उस दिन किन्हीं किन्हीं को अनुभव हुआ है कि माँ आती हैं। वो जब उन्हीं लोग का कहा हुआ, हम आपको दोहरा रहे हैं कि वो रात को सोए हुए थे, एक दिव्य ज्योति उधर से आई और माँ में समा गई। कोई यहाँ मून लाइट नहीं है, बाहर से एक दिव्य ज्योति आती है मंदिर में आकर के माँ में समा जाती है। इस मंदिर का यहाँ पे मेरे दादाजी मतलब बहुत अच्छे से पूजा किया करते थे। मतलब ये मंदिर कहा जाता है एक तरीके से सिद्ध मंदिर है, तो मतलब यहाँ पे वो फीलिंग्स आती है जो मतलब सच में बताएं कि माँ दुर्गा भी है यहाँ। हाँ फाइव सुबह में आपका पहले नॉर्मल पूजा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कलश, पहले उन सब का पूजा होता है। फिर दोपहर में पाठ होता है, पाठ आपका 4 घंटे का होता है जिसमें 13 अध्याय होते हैं। उसके बाद रात में जो होता है वो आरती होता है, और 2 दिन महाआरती होता है, एक अष्टमी और एक नवमी। ये दो दिन की आरती को महाआरती कहा जाता है। हम सुने हैं अपने पापा के मुंह से सुने हैं कि मेरे दादाजी को आशीर्वाद देके गई थी वहाँ पे दादाजी खड़ा होकर मूर्ति बनवा रहे थे। रात में, रात का समय था, सोने जा रहे थे, अचानक से मूर्ति कहाँ से प्रकाश निकला। तो ये कुछ बातें हैं जो इसमें यहाँ के बारे में बताती है कि यहाँ पे सच में ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे पूजा 1942 से हो रहा है और पूजा मेरे दादाजी ने शुरू कराई थी, और काफ़ी दिव्य तरीके से पूजा होता है यहाँ पे। मतलब बाकी लोग के कहने से ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी देवी जी का भी दर्शन हुआ है। यह आदिवासी हरिजन दुर्गा पूजा समिति 1947 से ही प्रारंभ है। हमारे पूर्वज लोग जिस समय थे, हम लोग तो बहुत बाद में आए, और आज तक हम लोग कोई चंदा उमदा नहीं लिए, पूजा पाठ कराते रहे अपने से, अपना जो भी शक्ति रहे। और खासियत यही रही है कि यहाँ जो हमारे पुरोहित हुआ करते थे वाणी विलास मिश्रा, स्वर्गीय वाणी विलास मिश्रा जी, वह बहुत भक्तिमय होकर, भक्तिपूर्वक होकर के पूजा पाठ कराते थे। दूर दराज के लोग आते थे, इस समय कोई दुर्गा मंदिर वगैरह नहीं था, पूजा पाठ मात्र एक ही जगह होता था यहाँ पर, बहुत पहले से, वर्षों से, बहुत पहले से। हे बेटा बुढ़िया तू पास कर ले, आई पास रे बेटा, वो सब करे भगवान के दया न चले, माँ का खुशी है चले यहाँ है पूजा कर सब कर। आ हम तो राइट दिन ही हमारे सब दिन आई लगे, हम 10-11 साल था वो बजरंग बोली गई कि हम भी सेवा करें। अभी माँ का दुआ में गौर लग सब कर, जय जय रखें बाल को पाल के, गौर लग भगवान जय जय रहे सब कर। अब तो हम बुद्धि बोले नहीं जानी बेटा, सब जय जय रहो। आत्मा की है मिलने, आत्मा की है भगवान ने पूरा ले, भगवान ने कर दिया ये कर से प्रभु का मंदिर का खासियत जो मांगता है मिलता है, सच्चाई है। पहले छोटा सा था, मिट्टी का था, उस समय एकदम छोटा सा मंदिर था मिट्टी का, उसमें सच्चाई था। अभी भी सच्चाई है, जो मांगता है वो मिलता है। हम लोग देखे भी नहीं है, कोई बड़ा बड़ा आदमी लोग ने देखा है, कब से हो रहा है पूजा। माँ का एहसास होता है, एहसास होता है। आस्था है 1995 से, इसमें मनोकामना मंदिर है, इसमें मनोकामना पूर्ण होता है। माँ का दर्शन लोगों को हो चुका है पहले, जिसमें हम लोग का जन्म नहीं हुआ।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।